हाँ जी, जोर से बोलो। पिता है तो प्यार का सागर है, फिर सुधार नहीं होता है तब क्या करेंगे? बच्चे ही रहेंगे हमेशा, दाढ़ी मूंछ वाले नहीं बनते हैं कभी। हाँ, अरे पढ़ लिख के बच्चे ही बने रहते हैं, क्या बड़े भी होते हैं फिर? 70 साल हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, और सद्गुरु का जो पाठ है वही धर्मराज का पाठ है क्या? है सद्गुरु का पाठ जो है वही धर्मराज का पाठ है? है, सद्गुरु सख्त होता है। जब से प्रत्यक्षता होती है और पिता का भगवान ईश्वर नहीं है, शिव संकट भोलेनाथ है, ये सच्चाई सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यक्षता होगी ना, प्रमाण होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनको भी मुरली का ज्ञान होना चाहिए। वो हो गया तो अभी बेसिक में पढ़ाई पढ़ने होंगी उनको, जरूरी थोड़ी है कि लंबे काल तक पढ़ाई पढ़ते ही रहे। शूट बुद्धि होते हैं या डल बुद्धि होते हैं? हैं? फिर पढ़ाई सहज है या कठिन है? बूढ़ी बूढ़ियां भी पढ़ लेती हैं, तो जो पढ़े लिखे होशियार हैं उनके लिए तो और ही सहज है। छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा, बड़ा बाबा प्रजापिता के थ्रू, और साढ़े 4 लाख आत्मा है तो जेल में आएंगी। 4.5 लाख आत्माएं स्वर्ग में गर्भ जेल में आएंगी? हाँ, स्वर्ग में तो कोई भी गर्भ जेल में नहीं आता। कहाँ की बात कर रहे फिर? 4.5 लाख बातें, 4.5 लाख आत्माओं की बात कहाँ की है? सतयुग में तो गर्भ जेल होता ही नहीं। सतयुग की बात नहीं कर रहा अभी, तो कह रहे सतयुग से लेके कलयुग तक। हाँ, सतयुग और त्रेता में तो गर्भ जेल होता ही नहीं। 4.5 लाख हो चाहे 10 करोड़ हो, गर्भ जेल होता ही है द्वापर युग से। उस द्वापर युग में चाहे 4.5 लाख हो और चाहे 500 करोड़ हो, सबको गर्भ जेल तो भुगतनी ही भुगतनी है। हाँ, अरे वो सीढ़ी के चित्र की बात कर रहे हैं। ये सीढ़ी में 3 होगा और बैकुंठ में 4। हाँ, ये कैसा क्या है? बैकुंठ में जो जाने वाले होंगे वो चारों धर्मों के बीज होंगे। मुख्य धर्म कितने हैं? 4 ही मुख्य धर्म है। उन 4 मुख्य धर्मों में सारी दुनिया समाई हुई है, तो जो 4 बीज हैं
उन बीजों की शुरुआत संगम से होती है या द्वापर से होती है? है? कहां से होती है? संगम से ही बीज होते हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं, तो उनमें से चौथे बीज उसका फाउंडेशन आखिरी प्रवृत्ति मार्ग का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसका भी पड़ेगा। बाकी सीढ़ी के चित्र में तो 40 वर्ष के बाद रिजल्ट दिखाया है कि वो भगवान का घर उजाड़ देता है, तो शुरू में उजाड़ देता है या अंत तक बेसमझ ही बना रहेगा? शुरू में उजाड़ देता है, इसलिए उसका घर उजड़ जाता है। कितना भी जमाने की कोशिश करे फिर भी जिंदगी में कितने तलाक देने पड़ते हैं, कितनी शादियां करनी पड़ती हैं, तो भी घर जमता है या उजड़ता ही रहता है? उजड़ता ही रहता है। तिवाटा का मतलब तीन रास्ते हैं। तिवाटा माने तीन रास्ता है, तिराहा। 2008 में शिव जयंती होती, त्रिमूर्ति शिव जयंती होता है ना, तो उस समय लक्ष्मी नारायण तो संपूर्ण बन जाते हैं, तो जगदम्बा भी संपूर्ण बन जाता है ना, अभी तो प्रत्यक्षता होता है संपूर्णता के आधार पर ही तो प्रत्यक्षता होता है त्रिमूर्ति। जगदम्बा के भगत तो यही कहेंगे कि जगदम्बा भी अष्ट देवों के साथ बन जाती है संपूर्ण, लेकिन अष्ट देवों में जगदम्बा है क्या? जगत की अम्बा तो सब धर्मों की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? सब धर्मों का जब संग का रंग लगेगा तो आत्मा कमजोर बनती है या पावरफुल बनती है? है? कमजोर बन जाती है। तो जगदम्बा की संपूर्णता होने में 2028 साल लग जाएगी। 28 जैसे अष्टदेव 108 को 28 में संपूर्ण बनेगा, उसका राज्य स्थापना होगा। 28 साल क्यों लगेगा? जब बोला हुआ है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 40 के अंदर तो अष्टदेव प्रत्यक्ष होता है लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, तो 108 को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेगा। 10 साल लगेगा, तो 10 साल में जगदम्बा नहीं आएगी? वो आखिरी मणका नहीं है। और बाबा शिव से लक्ष्मी नारायण और अष्टदेव तैयार होते हैं, है ना? हाँ जी। तो बाकी आत्माओं को तैयार करना, संपूर्ण बनाना, ये रामबाग का काम है क्या? और धर्मों के ग्रुप नहीं है अपने अपने? बाकी जो भी आत्मा है लक्ष्मी नारायण और अष्टदेव छोड़ के, बाकी जो भी आत्मा है उसको संपूर्ण बनाना रामबाग का काम है जी। और जो धर्म है उनके अपने अपने ग्रुप नहीं है, है या नहीं? अपना अपना जो प्रजापति है अपना अपना, अपने अपने ग्रुप है, तो उनके अपने अपने पूर्वज नहीं है क्या? तो कोई याद करेगा उनके अंदर पावर कैसा है? उनके अंदर पावर कैसा है? पावर तो बाप के अंदर है। बाप से पावर ली नहीं है अष्ट देवो ने, अभी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अष्टदेव तैयार करेगा बाकी आत्मा। बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बाप पे के बगैर नहीं रह सकते, कब से बोला हुआ है? जो जो अपने अपने ग्रुप का जो प्रजापिता है अष्टदेव भी प्रजापिता बनते हैं। प्रजापिता नहीं बनते हैं, प्रजापिता बनने वाली आत्माएं अलग है, वो सिर्फ पूर्वज है। बारहवीं से जो पहला मुन्ना वो प्रजापिता है। हाँ जी, वो भी अपने धर्म का साकार है,
तो डांबा तीर्थ समान बनता है 2008 में बनता है ना, छत्तीस में बनता है शिव समान ईश्वर सिंह पावर जो पावर अर्जुन करते हैं राम बाप उनका ये सत्यनारायण टाइटल मिलता है शिव का जो टाइटल बच्चों को दे देते हैं बड़ा बच्चे अष्ट देवों में पहला देव कौन है देव महादेव फिर वो 36 में क्यों बनेगा 18 में बनना चाहिए ना तुम 36 में क्यों कह रहे हो मैं पूछ रहे हूँ क्यों पूछ रहे हो तो उसके बाद शिव का कोई काम नहीं है शिव बाप का गुस्सा शिव बाप का अरे जब बाप वानप्रस्थी होते हैं तो बच्चे दुकान नहीं चलाते हैं स्थापना हो गई विनाश भी हो गया वो स्थापना और विनाश बेहद का होगा या हद की 500 करोड़ दुनिया का विनाश होगा पहले ये तो ब्राह्मणों की दुनिया की विनाश की बात है 76 में जो स्थापना और विनाश की घोषणा हुई थी वो हद की दुनिया की हुई थी या बेहद की दुनिया की हुई थी है बेहद की दुनिया फिर ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया की बात थी तो बेहद की दुनिया में ही स्थापना और विनाश संपन्न हुआ और बेहद का बाप का काम खलास हुआ कि रह गया बेहद के बाप का काम खलास हो जाता है कि बाप का मुख्य काम है आप समान बना देना अगर आप समान तैयार हो गया तो फिर बाप को दुकान में बैठने की दरकार है नहीं 2008 में अष्टोदय संगम भी इसमें के साथ कृष्ण को भी प्रस्तुत करना है 2018 में अष्टोदय तो बाप समान बन जाएगा तो संगम भी कृष्ण के साथ नंबर वन कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होंगे नंबर वन के तो जन बाप तो संगम भी कृष्ण है जैसे बाबा तो संगम भी कृष्ण है और छोटी मम्मी संगम जी राधा है तो अष्टोदय बार उनका जो भजन वाला जो साथी वो भी राधा कृष्ण के रूप में नंबर वन प्रत्यक्ष होंगे ना कौन अष्टोदय बाकी जो साथ है मैंने बाप को छोड़ के बाकी जो साथ है साथी मैंने वो भी कृष्ण होंगे ये कैसे में सुना है कैसे में कौन सी सुना है अभी से गुंताड़ा बिनाना शुरू कर दिया कि हम भी कृष्ण बनेंगे कोई भी कृष्ण बन सकता है राधे भी बनेंगी फिर गोपियां भी बनेंगी क्या वेरीफाई कर रहे हैं ये वेरीफाई कर करके ही तो उड़ीसा ने और बिहार ने अपना सत्यानाश कर लिया महिमा तो बाप का ही होना चाहिए हाँ फिर हाँ जी पॉइंट है सीता वाली आत्मा के दिल और दिमाग में 300-500 साल के लिए बैठ जाती है एक पॉइंट जो है पाँच हजार साल के लिए बैठ जाते हैं एक पॉइंट सुना जाते फिर रावण की चक्करी में कैसे आ जाती है जब बैठ जाते हैं तो शिव बाबा बैठते हैं विधर्मियों की बुद्धि में शिव बाप बैठता है कि शिव बाबा बैठता है विधर्मियों की बुद्धि में कौन बैठता है बाप बैठता है वो तो आत्माओं का वो प्रवृत्ति है ही नहीं शिव बाप तो आते ही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने सिर्फ निराकार से कैसे प्रवृत्ति बनेगी शिव बाबा बैठते हाँ जी
वहाँ प्रवेश करना और फिर दिमाग में बैठ के काज करना बैठना इसमें क्या अंतर है? मतलब दिल दिमाग में बैठते हैं मैंने सीता वाली आत्मा को मन बुद्धि को चलाते हैं, मतलब पूरा सीमत के आधार पर उनके आधार उनके मैंने कंट्रोल में रखते हैं। सीता तुम किसे कहते हो? राधा किसे कहते हो? सीता किसे कहते हो? राधा मैंने संगम जी की जो राधा हुई तो सीता वाली आत्मा है ना, वही तो सीता। राधा और सीता एक ही आत्मा है? राधा वाली आत्मा संगम जी की राधा है। राधा किसे कहते हो और सीता किसे कहते हो? राधा मैंने जो राम को अपने बुद्धि में धारण करते हैं। हाँ, और सीता धारण नहीं करती? सीता भी धारण करते हैं। तो दोनों राधा हो गई। सीता और राधा एक ही हैं आत्मा या अलग अलग आत्मा है? एक ही आत्मा है। राम वाली आत्मा तेता युग में जाकर के सीता बनती है, सीता वाली आत्मा राम बनती है। तुम सब सीताएं हो ये तो बोला, कभी बोला तुम सब राधाएं हो? फिर क्यों नहीं बोला तुम सब राधाएं हो? है हाँ, तुम सब सीताएं हो तो सब रावण की जेल में फंस जाती हो। श्रीमत की लीका का उल्लंघन करते हैं तो रावण की जेल में जाते हैं। जो राधा बनने वाली है उसके लिए तो कहा तुम पावक में करो निवासा, तब लगे करो निशाचर नाशा, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश करता हूँ। और अष्टदेव को अष्ट सखी के रूप में दिखाते क्यों नहीं? उसमें तो चार पुरुष है, तो जो चार पुरुष है वो भी बाबा के साथ सजनिया का संबंध निभाते होंगे हम लोग में। सजनिया तो सभी है, तुम्हारे पतियों का पति आया हुआ है तो सारी सजनिया है। एक है पुरुष और बाकी सब सजनिया है। चार और आठ की बात कहाँ से आती है? चित्र में दिखाता है अष्ट सखी है कृष्ण के साथ, वो किसका चित्र है? अष्ट सखी दिखाते हैं कृष्ण के साथ आठ, वो पटरानिया है, गोपिनी नहीं है। गोपी तो उनको कहा जाता है जो गुप्त पार्ट बजाती है, पटरानियां तो अपने को प्रत्यक्ष कर देती हैं। अपने बड़प्पन को प्रत्यक्ष कर देती है। गोपियां तो गुप्त करती हैं, इसलिए गोपियां हैं। पटरानियां प्रत्यक्ष करती हैं, इसलिए लास्ट में जाके पट्ट में गिरती है। पाटरानी जो है वो जो नवदुर्गा वही पाटरानी है जिससे नवदुर्गा के रूप में गाय थी। नौ में से एक नहीं गिरती है पट्ट में, आठ पटरानियां गाई हुई है कि नौ गाई हुई है? आठ गाई तो पहले पहले जो बाबा के साथ था समर्पित हुआ था, यही है ना? क्या पहले पहले जो नौ पन्ना खंडर हुआ था उसमें कोई परीक्षा नहीं बनता है क्या? ये क्या बात है, बिना परीक्षा के रिजल्ट निकल गया। आया कि वो जितना जितना यज्ञ करते जाओगे उतना बाबा का अभी भी तो ऐसे ही है। दुनिया में यज्ञ रचते जा रहे हैं तो हाहाकार बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? आगे चल के भक्ति मार्ग और बढ़ेगा या घटेगा?
बीके में भक्ति मार्ग बढ़ रहा है या घट रहा है, वो अपने को बड़ा साबित करने के लिए वितंडावाद बढ़ाते जा रहे हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, है? और ही ज्यादा वितंडावाद बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 12 वर्ष का जल्दी ये नियम आया है कि अगली तारीख से 2 महीने के लिए 18,400 घंटा याद करेंगे। इसकी याद करेंगे? शिव बाबा मुंह से बोलेंगे क्या? ये 2 महीना पूरी तैयारी करके फिर देखिए है, ये 2 महीना कोर्स भरने के सब फॉलो कर रहे हैं। हिंदी क्या हुआ? आज एक मुरली में पॉइंट आया, तुम बच्चे भी पॉइंट निकालते हो, तो पॉइंट निकालना शुरू कर दिया। ये बाबा जी 2 महीने का ये लोग शुरू कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा है। और क्या है, जो मेगा प्रोग्राम किए हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस करते रहे हैं, बड़े बड़े मेले करते रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते रहे हैं, बड़े बड़े भाषण के प्रोग्राम करते रहे हैं, ये सब है क्या? यज्ञ ही तो है। जब कोई आफत आती है तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, है? बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं, तो जरूर उनके ऊपर कोई आफत आई हुई है क्या, है? बाबा ने घेरा है, बाबा ने 8 वस्त्रों से घेरा है, है? वो 8 पॉइंट ऐसे इंटरनेट में चारों तरफ घूम रहे हैं कि उन पर जवाब दे दे नहीं बनता है, किसको क्या जवाब दे। इसलिए मन के मौन से नई रंगत निकालेंगे, देवा ना डाडे का बर्तन। कौन है हमारा डाडे, है? अरे हमारा डाडे कौन है? प्रजापिता डाडे है, शिव बाबा हमारा डाडे है। और लास्ट में 4.5 लाख आत्मा मानता हो में जाके इकट्ठा हो जाएगा शांति धाम में, तपस्या करेंगे। लास्ट बिना 5-7 दिन का बिना में क्योंकि जो बुला गया आज एक लास्ट बिना जब होगा एक एक अनु में मिल जाएगा, इस दुनिया का कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मानतावों का विनाश कब होगा? आज मानतावों का जब विनाश होगा तो हम बच्चे कहाँ रहेंगे? तब तक के लिए वहीं बैठना है तुमको, पक्का कर लिया है विजय वाला में ऐड नहीं होना है? वो तो पहले ही हो जाएगा ना। अरे रे, अरे वो तो 2008 से ही चालू हो जाएगा, तो फिर वहीं बैठे रहोगे क्या? जो विजय माला में विष्णु माला में ऐड होंगे वो स्वर्ग में पहुंचेंगे या नरक की दुनिया में धरे रहेंगे? लेकिन जब लास्ट विनाश होगा तो लास्ट तुम्हारे लिए वहाँ धरा ही रहेगा, दिल्ली बैकुंठ रहेगा। अरे लास्ट जो विनाश होगा वो किसके लिए होगा? रुद्रमाला के बत्सों के लिए होगा, रुद्रमाला वाले तो पहले ही ऐड हो जाएंगे विजयमाला में। जब तक रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड नहीं होते तब तक
विजयमाला कंप्लीट होती नहीं है। इसलिए टाइम भी बता दिया, 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, सतो प्रधान बन गए फिर तपस्या की जरूरत है? तपस्या ही करते रहेंगे। हाँ, प्रजावर की आत्माएं जो हैं 4.5 लाख वो बैठेंगी वहां, उनमें फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी है। तो लास्ट विनाश तक कौन बैठेंगे? फोर्थ क्लास प्रजा वाले बैठेंगे या फर्स्ट क्लास बैठेंगे? हैं? फोर्थ क्लास बैठेंगे, दास दासी बनने वाले। काम धाम कुछ नहीं करना, बातें बहुत बनाना। और मेरा कहने का मतलब है कि जो दुनिया है कलयुग की दुनिया, तो ये दुनिया तो विनाश हो जाएगा ना। तो जब हम लोग कलयुग की दुनिया का बिना, कलयुग की दुनिया के बिना 36 से पहले हो जाएगा, इसके बाद होगा। तो हम बच्चे कहाँ रहेंगे उस समय? हम लोग जो बाबा का बच्चे, जो अमरनाथ बाबा का अमर बच्चे, रुद्रमाला स्वादुला और विजय माला स्वादुला, लक्ष्मी नारायण जैसी, तो हम लोग कहाँ रहेंगे उस समय? लास्ट विनाश के, अंतिम विनाश के टाइम हमारा स्थान कहाँ होगा? सुखम वक्रवासी नहीं बनते जाएंगे? सुखम वक्रवासी तो आत्मा बनेगा, लेकिन शरीर कहाँ रहेगा? बर्फ नहीं होगी। आखिरी जब विनाश होगा, मूसलाधार बरसात होगी, एटम बम फटेंगे, पानी समंदर का खौलेगा, तो ढेर सारी बरसात होगी कि नहीं होगी? लगातार कई दिनों तक जब बरसात होगी तो बर्फ जम जाएगी कि नहीं सारी दुनिया में? अरे तो उसमें शरीर नहीं दब जाएंगे? जो जहां रहेगा उधर ही दब के रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे ना, क्योंकि दिल्ली जमुना के कंधे पर है। काहे के लिए लखनऊ बैठे हुए? अभी से भाई दिल्ली में अड्डा जमाओ। जो जम्मू दिल बोलते हैं, दिल्ली जम्मू दिल है ना? जम्मू तो अभी भी जम्मू नाम पड़ा हुआ है, अभी जम्मू नाम नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे? अरे वो सारा एरिया का बहुत छोटा सा एरिया होगा, छोटे छोटे गांव होंगे कि नहीं होंगे? जम्मू दिल्ली में रहेंगे? अरे दिल्ली के कंठे पर रहेंगे, जमुना के कंठे पर रहेंगे। और हाँ जी, शिवाजी की किस्म परिस्थितियों में श्रीमत के अनुसार उचित निर्णय लेने के लिए क्या साधन देते हैं? क्या शिवाजी की विषम परिस्थितियों में, शिवाजी की विषम परिस्थितियों में श्रीमत के अनुसार उचित निर्णय लेने के लिए क्या साधन रहते हैं? टिवाटा क्या है? जब टिवाटा ही नहीं मालूम तो विषम परिस्थितियां कौन सी है? अरे टिवाटा माने क्या? अगर तीन रास्ते को ही टिवाटा कहते हैं तो कौन से तीन रास्ते? तीन सेना कहाँ? पॉइंट बना लिया बैठे बैठे। मुरली का पॉइंट तो है नहीं, अव्यक्तवाणी का भी नहीं है, क्लेरिफिकेशन का है। हाँ?
जब ब्रह्मास्त्र विष्णु बनते हैं तो पांच आत्मा एक साथ में संपूर्ण बनते हैं, एक साथ में संपूर्ण बनते हैं, ऐसे तो बोला गया है, ऐसे ही तो बोला गया, एक साथ में संपूर्ण बनते हैं। आप बताइए अष्टदेव कहाँ जाएंगे? सभी ब्रह्मा एक जैसे हैं, ये ब्रह्मा भी नंबर वार हैं, है? ब्रह्मा भी नंबर वार हैं, कोई राइटियस भुजाए हैं, कोई लेफ्टिस्ट भुजाए हैं, कोई नीची भुजाए हैं, कोई ऊपर की भुजाए हैं, तो पुरुषार्थ में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले तो दो आत्मा संपूर्ण बने, लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण के साथ साथ उनका कुनबा गोता जाएगा कि नहीं? हाँ जी, लक्ष्मी नारायण के साथ साथ है जो सूर्यवंशी आसन है आठ है, वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ब्रह्मा फिर भाई ब्रह्मा 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 पांच ही हुए कि ज्यादा हो गए? पांच वो कहाँ से पहुँच गए? पांच वो जगदम्बा और उम्रावे वाली आत्मा डुम्बा वाली। जगदम्बा को तुम बार बार क्यों आठ के अंदर जोड़ रहे हो? आठ के अंदर नहीं जोड़ रहे, और क्या कर रहे? जो विष्णु का जो चार भुजा दिखा है ना, हाँ हाँ हाँ, चलाने वाला जो भुजा दिखा, पांच आत्मा तो वो तो चार आत्मा हो गई। राम वाली आत्मा उसकी सहयोगिनी शक्ति, कृष्ण वाली आत्मा उनकी सहयोगिनी शक्ति, लेकिन दो तो है ही नहीं, है नहीं, उनकी तो बात ही खत्म हो गई। तो वो सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण बनेंगे? हाँ जी। तो एक बात है, जो वैष्णवी में तो शिव बाप प्रवेश नहीं करते हैं, शिव बाप प्रवेश नहीं करते हैं, तो वैष्णवी में प्रैक्टिकल पावर कहाँ से आ जाती है? पवित्रों में सिपा को अगर तीन मूर्तियां नहीं है तो तीन मूर्तियों में ब्रह्मा का पार्ट समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके, ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके वैष्णवी जब करते हैं तब ब्रह्मा वैष्णवी ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है कि छोटी माँ प्रवेश करती है? छोटी माँ प्रवेश करती है और ब्रह्मा से विष्णु बनती है। हाँ जी। और उम्रादे वाली आत्मा ब्रह्मा वाली आत्मा को कैसे बनती है? उम्रादे वाली ब्रह्मा वाली आत्मा को शिव प्रवेश किया, लेकिन उम्रादे वाली आत्मा ब्रह्मा वाली आत्मा में, ब्रह्मा वाली आत्मा में 1948 में जब कराची में था तो शिव बाप प्रवेश करके पानी चलाया। बाप कहाँ प्रवेश किया? अम्मा प्रवेश की, शिव बाप प्रवेश, सहन शक्ति ने प्रवेश किया, शिव की सहन शक्ति ने प्रवेश किया, बाप के रूप में थोड़ी प्रवेश हुआ, माँ के रूप में प्रवेश किया ना, तो भी ब्रह्मा बन गया। ओम राधे कैसे ब्रह्मा बन गए? ओम राधे जो है वो सहयोगी होने के कारण ब्रह्मा है, उससे ज्यादा सहयोग और किसी ने नहीं दिया ब्रह्मा का। ऐसे ही राम वाली आत्मा का जो सहयोग वैष्णवी देती है वो सहयोग और कोई नहीं देता है। स्थापना के कार्य में राजधानी जमाने में गंगा भी नहीं देती, जगदम्बा भी नहीं देती, सर्विसेबल तो नंबर वार सब हैं। प्रश्न आया है, इस्लाम धर्म की जो आत्मा है वो ज्ञान यज्ञ में क्या वफादारी कर रही है?
यज्ञ के आदि में चाहे एडवांस के आदि में चाहे नई सृष्टि के आदि और पुरानी सृष्टि के विनाश काल में पहले पहले कौन सा आभूषण है जो सबसे जास्ती सेवा करता है? पुरानी सृष्टि का विनाश होता है तो भी वो आभूषण कार्य करता है। आभूषण मैंने सिंगर। हाँ जी, डमरू जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है तो डमरू ही बजता है ना। और साथ साथ स्थापना भी होती है। एडवांस का ज्ञान निकला तो भी पहले पहला लिटरेचर निकला सेवका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। और वो आत्मा जैसे कुत्ते की आदत होती है बार बार मालिक के सामने पूंछ लटकाना, ऐसे वो बार बार जाकर के भट्टी करता है। और भट्टी करने के बाद वापस जाता है तो बाहर की दुनिया में चला जाता है। तो वफादार नहीं है। बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म का बीज वापस आता है, पूछ लटकाता है, वो तो नहीं आते। वेद शास्त्र बाबा ने बोला हुआ है अष्ट देवों की जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता होती है, लेकिन अभी तक अष्टदेव का तीसरे नंबर का मणका प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कब होगा? 2012 तो आ रहा है। दो प्रत्यक्ष हो गए हैं? जब दो प्रत्यक्ष हो गए तो पहले से और दूसरे से पूछा जाए या देखा जाए। जो बोला है बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते, तो कौन सी तीसरी चौथी आत्मा है जिनके बगैर पहले दूसरे का काम ही नहीं चल पाता? एडवांस का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है तो बिना सहयोगियों के चल रहा है क्या है? बिना वफादार बच्चों के सहयोग के चल रहा है, है? नहीं, जरूर वफादार बच्चे चाहिए।
अव्यक्त वाणी में तो बोल भी दिया, लास्ट अव्यक्त वाणी में इस बार बल टू लेट का बोर्ड लग गया है, क्या बोल दिया, लेकिन आ तो गए ना, इसका मतलब चार रुद्रमाला के और उन चार के आधार पर चार विजयमाला के प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए। अष्टदेवों में चार सूर्यवंशी और चार चंद्रवंशी, चार जोड़ियां हैं। अभी तो सिर्फ इशारा दिया है, परंतु 2017-18 का तो टाइम पड़ा है, और भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। चंद्रवंशी चार है, उत्तर रुद्रमाला में ही चंद्रवंशी है ना, रुद्रमाला में कहीं चंद्रवंशी होते हैं? विजयमाला से वो आएंगे, आएंगे विजयमाला से आएंगे, जैसे छोटी मम्मी बाबा एक नंबर, वो तो विजयमाला का हो गया ना, जैसे जोगिनी माँ बाबा ये तो एक नंबर जोड़ा है ना, छोटी मम्मी तो चंद्रवंशी है। तो क्या हुआ, उसके 108 मणके नहीं है क्या? विजयमाला के भी 108 मणके हैं ना, तो 108 मणकों में जो पहले चार हैं लक्ष्मी के ग्रुप से नजदीक हैं, उन्हीं की बात है। तो ये हो गया 8 सूर्यवंशी। हाँ जी, रुद्रमाला से 8 सूर्यवंशी नहीं निकले। रुद्रमाला में एक धर्म के पूर्वज हैं या सभी धर्मों के पूर्वज हैं? 8 धर्मों के पूर्वज हैं। फिर तो श्रेष्ठ पहले प्रत्यक्ष होंगे, जो पावरफुल हैं वो पहले प्रत्यक्ष होंगे, बाद वाले पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ जी, बाबा ने बोला है अंत में एक ही ट्रेन निकलेगी, इसका क्या मतलब हुआ? सन 47 में एक ही ट्रेन निकली थी कि अलग अलग स्थानों से एक ही एक ट्रेन निकली थी? है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय जो पहली ट्रेन चल पड़ी, जहां जहां से पहली ट्रेन चल पड़ी वो पहुंच गई, उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली वो कट मरी। तो एक ही ट्रेन चली थी या अलग अलग स्थानों से एक एक ट्रेन चली थी? है क्या हुआ था, अलग अलग स्थानों से एक एक ट्रेन चली थी, कोई बंबई से कराची की तरफ गई, कोई बंगलौर से गई, कोई मद्रास से गई, कोई कलकत्ते से गई, कोई दिल्ली से गई, कोई लखनऊ से गई, हर मुख्य मुख्य स्थान से एक एक ट्रेन चली। उस ट्रेन में जाने का जिनका नंबर था वो चले गए, सो चले गए, बाकी की जो दोबारा ट्रेनें गई वो सब वहां जाके काट डाली गई। तो पूछा अंत में एक ही ट्रेन चलेगी, तो जो ट्रेन का ड्राइवर होगा और टीटी होंगे वो ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे?
है उनकी भी गारंटी होगी ज्ञानी बनने की। क्योंकि उस समय जिनकी आत्मिक स्थिति बनेगी उनके लिए ट्रंकाल आएगा, सबके लिए तो नहीं आएगा। और टीटी ड्राइवर का ट्रंकाल आए या ना आए उनको जाना ही होगा कि नहीं जाना होगा हा? उनको तो जाना ही होगा, उनके ट्रंकाल की बात ही नहीं है। लास्ट टाइम के लिए सब इंतजार तो नहीं करेंगे ना, पहले से ही तो ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाएंगे ना अमाउंट पर, पहले से ही तो ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाएंगे ना ठिकाने पर। ज्यादा से ज्यादा क्यों, नंबर वार है या ज्यादा से ज्यादा कभी है? सबके नंबर हैं नौ धर्मों के, या ज्यादा से ज्यादा कभी इकट्ठे हो जाते हैं? क्या क्या पॉइंट बनाते रहते हैं अपने अपने। बाबा ने बोला हुआ आगे चल के क्रिश्चियंस को प्रेसिडेंट बना देंगे, लेकिन ये भी बोला हुआ है कि राज करेगा खालसा। तो 2012 में जगदम्बा का राज चलेगा, ऐसे कहीं बोला है क्या? कि मुरली में अव्यक्तवाणी में या किसी क्लैरिफिकेशन की मुरली में ऐसे बोला है? लेकिन सबसे लगता है वो पॉइंट पकड़ लिया जाए 2012 में प्रति की धूरी जगदम्बा धूरी चेंज करेगी। धूरी चेंज करने का मतलब है बुद्धि चेंज हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। उस कैसेट का अर्थ जो माया कैसेट निकाली है लोगों ने, बाकी ऐसे नहीं है कि पृथ्वी लौटपोट हो जाएगी। शंकर को चंद्रदेव से इतना मोह क्यों है? जो शास्त्रों में दिखाते हैं चंद्रदेव को बहुत सपोर्ट देते हैं, यहां तक कि इतनी गलतियां करने पर भी बार बार सिर पर धारण कर लेते हैं। बाप है सूर्य, पृथ्वी है माता, और चंद्रमा क्या है? है बच्चा। तो बाप बच्चे को सपोर्ट नहीं देगा तो किसको देगा? है बाप की जान किस में धरी होती है? बच्चे में। फिर ब्रह्मा बाबा को जब आवाहन करते हैं तो एक चित्र लगाने से ही आ जाते हैं। लेकिन वैष्णो देवी को कितने सालों से आवाहन कर रहे हैं तो भी अभी तक क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, एक गीत लगाने से ही आह्वान कर लेते हैं। जो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत होते हैं उनको आने जाने में देर लगती है क्या? है उनको तो आने जाने में देर नहीं लगती है। जो स्थूल शरीर में बंधी हुई आत्मा है वो तुरंत आना जाना नहीं कर सकती। उनको आना है तो उधर से बंधन काट के आना पड़ेगा ना। हाँ जी,
हवा, तो महाभारत में दिखाया कि अज्ञातवास के लास्ट में एक साल था, तो उस समय पांचों पांडवों ने अपना तीर धनुष अपना अस्त्र शस्त्र पेड़ के ऊपर उठा दिया है? अपना अस्त्र शस्त्र पेड़ के ऊपर उठा दिया था कि विराट राजा का देश में गया तो उनके पास जाके सब नौकरी ले लिया था। आप नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं हो जाएंगे, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र ले जाके किसी के सामने दिखाएंगे तो पता नहीं लग जाएगा ये पांडव हैं। ज्ञान से प्रत्यक्षता होगी कि नहीं होगी? ज्ञान की बातों से तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ज्ञान नहीं सुना नहीं, जब वहाँ दास दासी बनने के लिए गए तो दास दासियों से कोई ज्ञान सुनता है क्या? छोटे बन करके रहना पड़े, विजयमाला में आने वाली आत्माएं उनका चोला भी तो पुरुष का होगा, और मुरली में बोला है कि पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कहेंगे, सब पुरुषों को। तो दुर्योधन दुशासन की वो कृति करेंगे या नहीं करेंगे? स्वभाव संस्कार ज्यादा प्रबल होते हैं या इंद्रियां ज्यादा प्रबल होती हैं? जन्म जन्मांतर के कोई आत्मा के अंदर स्वभाव संस्कार होते हैं और इंद्रियां भी होती हैं, ज्यादा पावरफुल कौन से हैं? स्वभाव संस्कार। तो स्वभाव संस्कार से जो विजयमाला के मन के पुरुष हैं, वो पुरुष होते हुए भी जन्म जनांत के स्वभाव संस्कार से क्या है, है? स्त्री चोले वाले हैं। इसलिए पुरुष इंद्रियां होते हुए भी संस्कारों के अधीन हैं, वो ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकते। रसिया, जो दुनिया में सबसे जास्ती ऐश करता है उस देश का नाम है रसिया। वहां संबंधों को मानते हैं, कोई संबंध नहीं, ऐश आराम से जिंदगी बिताओ। ऐसी जिनकी मान्यता है वो ही रसिया है। अभी सारी दुनिया नास्तिकता की ओर जा रही है या आस्तिकता की ओर जा रही है? रसिया में सबसे जास्ती नास्तिकों की संख्या है, पूरा का पूरा देश ही नास्तिकों का है। न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, ऐश आराम की जिंदगी बिताओ, यही सब कुछ है। ओम शांति।